अल्टीमेटली आपने J&K में टेररिज्म कैसे कंट्रोल किया सर? बातचीत करके किया क्या? नहीं, एक्चुअल में इसी पर आना चाहता था कि अगर समाज और देश के लिए कोई नासूर बन गया है तो जैसे आतंकवाद का सफाया जम्मू कश्मीर में हुआ है और पंजाब में अतीत में हो चुका है, उसके बिना तो संभव नहीं था ना कि दोनों स्टेट में आप शांति कायम कर पाते। जो भी देश के खिलाफ और समाज के खिलाफ हथियार उठा रहे हैं उनका तो खात्मा होना ही चाहिए, वरना शांति कैसे होगी। चौधरी साहब, एक चीज यहाँ एक विडंबना है हमारे देश में, जिसको हमें, समाज को, हमारे नेतृत्व को एक बार वंस फॉर ऑल सेटल करना है। देखिए, हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, आतंकवादी का ह्यूमन राइट क्या है, टेररिस्ट का ह्यूमन राइट क्या है, माफिया का ह्यूमन राइट क्या है, और ये जो माफिया सरगना है इनका ह्यूमन राइट, ऑर्गेनाइज क्राइम, ये ड्रेडेड क्रिमिनल्स का ह्यूमन राइट क्या है। मुझे बताइए, जिसको वो मारता है उसका ह्यूमन राइट नहीं है? उमेश वाल का जिंदा रहने का ह्यूमन राइट नहीं था? वो जो दो गनर थे उनका ह्यूमन राइट नहीं था? जिसको आतंकवादी ने गोली का निशाना बनाया उसका ह्यूमन राइट नहीं है? या जिसके हाथ में बंदूक है उसी का ह्यूमन राइट है? ये क्या विडंबना है साहब, क्या विडंबना है, ये क्या बात करें? जिसके हाथ में बंदूक है उसी का ह्यूमन राइट है? वो बंदूक किस लिए उसके हाथ में? उस बंदूक से वो किसी न किसी को मारना चाहता है, किसी न किसी को ढेर करना चाहता है, तो ये ह्यूमन राइट की दुकान क्या है? मुझे बताइए, एक यूपी पुलिस का गनर जो अपनी ड्यूटी पे है, अगर वो ड्यूटी पे मरता है उसका ह्यूमन राइट का क्या होगा? ये क्या ह्यूमन राइट्स की दुकान खोल रखी हमने? क्यों क्या उनके हाथ में बंदूक है तो उनका ह्यूमन राइट बड़ा हो गया? जिसने बंदूक उठाई वो तो किसी ना किसी को मारने के लिए उठाई ना चौधरी साहब। बंदूक से कोई फूल तो बरसते नहीं, कोई कोई मंदिर में घंटी तो बजा नहीं रहे। अगर आपने बंदूक उठाई, तमंचा उठाया, कट्टा उठाया, इम्पोर्टेड असला उठाया, आपकी मंशा है किसी न किसी को मारना, किसी न किसी को प्रताड़ित करना, किसी न किसी को शोषित करना। जब आपने वो लक्ष्मण रेखा पार कर ही ली है कि मैं जिंदा रहने के लिए किसी को मारूंगा, किसी को प्रताड़ित करूंगा, किसी को शोषित करूंगा, किसी से रंगदारी अपहरण ये करूंगा, तो भाई फिर जो हमारी जनता है, जो हम 140 करोड़ लोग हैं, हमारे ह्यूमन राइट की कहां बात हो रही है साहब? हमारे ह्यूमन राइट का क्या होगा? ये चीज को हमें वंस फॉर ऑल खत्म करना पड़ेगा। आपका ह्यूमन राइट मेरे ह्यूमन राइट से ज्यादा नहीं है। कल को एक एक्स वाई जेड ने बंदूक उठाई, वो डिसाइड करेगा क्या आप और मैं जिएंगे या नहीं जिएंगे? उसको किसने ये राइट दिया? संविधान में कहीं ऐसा लिखा है? IPC में ऐसा लिखा है? भाई जिसके हाथ में बंदूक है वो समाज, देश के लिए और सुरक्षा के लिए खतरा है। जितना जल्दी उसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा उतना जल्दी आगे बढ़ेगी। ये तो ह्यूमन राइट है। अगर पहले, अगर आज असद जिंदा रहता तो और अपराध करता। अब वो बुरहान वानी की बात ले लीजिए कश्मीर में, वो सबजार भट्ट की बात ले लीजिए, दुनिया भर के ऐसे आए गए, वो कोई गाजी आया, कोई गजनवी आया, कोई कितने ऐसे आए गए, इन्होंने जिंदगी भर किया क्या? इन्होंने एक स्कूल की दीवार बनाई है, इन्होंने एक मकान बनाया, इन्होंने एक मंदिर बनाया, इन्होंने कहीं ईंट ईक लगाई है? जिंदगी भर तो इन्होंने चीज़ों का विध्वंस किया, आदमियों का शोषण किया, आदमियों को मारने का काम किया। कब तक ये आडंबर चलेगा साहब देश में? देखिए, आज वेस्ट की सभ्यता टूटने के कगार पे आ गई इन चीजों को लेके। एक मुल्क है इजराइल, आप देखिए इजराइल कैसे सरवाइव करता है, क्योंकि ये बहुत क्लियर मैसेज जाना चाहिए, अगर आप इजराइल के दुश्मन हो आप दुनिया में कहीं सुरक्षित नहीं। आपको एक इंस्टेंस बताता हूँ चौधरी साहब। जी जी, एक बार मैंने मोसाड के चीफ का इंटरव्यू देखा, उसे प्रवक्ता पूछता है, एक जर्नलिस्ट पूछता है, आपके जैसा एक जर्नलिस्ट, कहता भाई आपका तो रेपुटेशन है यू आर ए किलिंग मशीन। तो मोसाड का चीफ हंसता और बोलता है, कहता वी हैव वर्क्ड वेरी हार्ड टू हैव दिस रेपुटेशन। हमने बहुत मेहनत की है रेपुटेशन बनाने के लिए दुनिया में। इसराइल के दुश्मन को आज ये पता है, वो कहीं भी हो, 10 साल 12 साल 30 साल बाद भी वो दुनिया में कहीं सुरक्षित नहीं है। भारत का बढ़ता वर्चस्व ऐसा, भारत सुपर पावर बन रहा है, हमारे दुश्मनों को, चाहे वो अंदर वाले हो या बाहर वाले हो, मैं तो दोनों की बात करूँगा, जब तक उनको ये चीज ना समझाई जाए कि आप अगर भारत से टकराएंगे आपका वर्चस्व मिट्टी में मिलाया जाएगा, आप यू विल बी एलिमिनेटेड, तब तक भारत सुरक्षा नहीं है। 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा, तरक्की और बहबूदी के लिए, और ये जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है, ये जो चीज़ें, इनको निपटना पड़ेगा। और योगी जी वाला मॉडल हैज प्रूव्ड टू बी वेरी इफेक्टिव। अब आप हनुमान जयंती की बात लीजिए, आप रामनवमी की बात कीजिए, जब हर जगह ये सब नाटक हो रहे थे, ड्रामे हो रहे थे, यूपी में क्यों नहीं हुआ सर कुछ? आसाम में क्यों नहीं हुआ कुछ? वेस्ट बंगाल में फिर हो गया।
अब वेस्ट बंगाल की सीएम ममता दीदी, वेस्ट बंगाल की होम मिनिस्टर ममता दीदी, और ममता दीदी ने तो छूटते कहते राम भक्त, ये राम भक्तों ने किया, जय श्री राम से हमारी दीदी को तकलीफ होती है। तो ये जो आडंबर है, ये जो तुष्टिकरण की राजनीति है, ये जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है, इसको खत्म होना पड़ेगा साहब। अगर देश को चलाना बढ़ाना है, योगी जी का मॉडल इज द ओनली सस्टेनेबल मॉडल। मैं तो ये निवेदन करूंगा हर एक मुख्यमंत्री से इसे स्टडी करें। और एक और चीज बताऊं चौधरी साहब, हमारे हर पुलिस कैपेबल है इनसे निपटने के लिए। हमारे देश में किसी स्टेट में ऐसी पुलिस नहीं है जो कैपेबल ना हो। दिक्कत क्या है? राजनीतिक संरक्षण, राजनीतिक विल, पोलिटिकल विल। मोदी योगी जी ने कहा माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो मिट्टी में मिला दिया ना। अतीत का गैंग तो ध्वस्त हो चुका, आज तो खुद ही कह रहा था मिट्टी में मिल गए हैं। अब आप देखिए, हिसाब किताब इतना है कि जेल में बैठ के साजिशें बन रही है। अतीत की वाइफ वो इन्वॉल्व है, मतलब जबकि वो गृहिणी है, वो इन्वॉल्व है साहब। अतीत का भाई इन्वॉल्व है, मतलब क्या हो रहा है? मतलब कहीं कहीं ना कहीं हमारे वी आर अ सुपर पावर इन मेकिंग, हमारे शासन प्रशासन का मजाक नहीं हो रहा। इन लोगों ने हमें नपुंसक से समझ रखा है कि भाई ये तो नपुंसक है, कुछ भी नहीं कर पाते, हम वकील ले आएंगे, सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, हाई कोर्ट चले जाएंगे। हमारा सिस्टम हमारे खिलाफ यूज किया जा रहा है, हमारे लोगों के खिलाफ यूज किया जा रहा है। आज मुझे बताइए, ये डिसाइड अतीक करेगा क्या उमेश पाल जिएगा या मरेगा? ये डिसाइड असद करेगा क्या कि उमेश पाल का जो दो गनर हमारे भाई थे वो जिंदा होंगे या मरेंगे? ये डिसाइड गुलाम करेगा, उस्मान करेगा, ये कौन करेगा? ये चीजें हद से ज्यादा बढ़ गई है साहब। और अब देश में जो हमारे शत्रु है उनको ये मैसेज बहुत क्लियर जाना चाहिए। देखिए, जिस आदमी के हाथ में बंदूक है, आप उससे बुद्धिमत्ता का वाद विवाद नहीं कर सकते। बंदूक वाले बंदूक की ही भाषा समझते हैं। और साहब, हमारे पास सबसे बड़ी आर्मी है दुनिया में, फोर्थ बिगेस्ट मिलिट्री है, सबसे बड़ी पुलिस फोर्स दुनिया में हमारे पास है, और कॉम्पिटेंट फोर्स है, सबसे ज्यादा कमांडो दुनिया में हमारे पास है। क्या हम इतने कमजोर हो गए हैं कि कुछ ही मुट्ठी भर लोग हमें धूल चटवाने पे तुले हो रहा, हम इनके हाथों पर, हम उसके हाथों धूल चाट रहे हैं? इतने कमजोर तो नहीं है चौधरी साहब, इतना कमजोर नहीं है।